वेलकम बैक टू माई स्टडी चैनल फ्रेंड्स हमारा आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस फाइनेंशियल ऑडिट सोशल अकाउंटिंग एंड पी एफ एम एस ये जो पी एफ एम एस है इसका जो फुल फॉर्म है वो बनता है आपका पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम सो आज के इस वीडियो में फाइनेंशियल ऑडिट सोशल ऑडिट और पी एफ़ एम एस दैट इज़ पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में जितने भी इम्पॉर्टेंट एम सी क्यूज बनते हैं वो सारे के सारे आज हम डिस्कस करने वाले हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन है द मेन गोल ऑफ डैश ऑडिट इज प्रजेंटिंग एंड एक्यूरेट अमाउंट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस ऑफ ए कॉम्पनी तो मेन गोल जो होता है आपको पता ही है किसका कौन सा ऑडिट होता है किस कंपनी का द मेन गोल ऑफ फाइनेंशियल ऑडिट यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा आपका वो क्या रहेगा आपका फाइनेंशियल द मेन गोल ऑफ फाइनेंशियल ऑडिट इज़ प्रजेंटिंग एंड एक्यूरेट अमाउंट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स ऑफ ए कॉम्पनी सो आंसर इज़ फाइनेंशियल नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल ऑडिट बिगिनस विद जो प्रोसेस होती है फाइनेंशियल ऑडिट की वो किसके साथ शुरू होती है वो शुरू होती है प्लानिंग के साथ द प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल ऑडिट बिगिनस विद प्लानिंग नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश डैश इन्फॉर्म्स वेदर इंटरनल कंट्रोल्स आर वर्किंग आर नॉट तो क्या बताता है कि इंटरनल कंट्रोल जो है वो वर्किंग है या नहीं है तो ये बताता है आपको टेस्टिंग ये द राइट आंसर इज टेस्टिंग ठीक है यहाँ पे जो राइट right आंसर है वो है आपका टेस्टिंग टेस्टिंग बताती है टेस्टिंग इनफॉर्म्स वेदर इंटरनल कंट्रोल्स आर वर्किंग आर नॉट नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल अकाउंटिंग इज डैश तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल अकाउंटिंग जी ये सोशल सो, अकाउंटिंग जो होती है इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है आपका वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल अकाउंटिंग इज वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी नेक्स्ट चलते हैं डैश अकाउंटिंग रिवील्स दा सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज अंडरटेकन बाई द इंटरप्राइज टू जनरल पब्लिक तो कौन सी अकाउंटिंग जो है वो रिवील करती है ये जो है बताती है द सोशल एक्टिविटीज़ अंडरटेकन बाय द इंटरप्राइज टू जनरल पब्लिक कि उन्होंने पब्लिक के लिए जो है वो क्या किया है क्या अच्छा काम किया है तो ये बताती है सोशल अकाउंटिंग इज़ द राइट आंसर सोशल अकाउंटिंग रिवील्स द सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ अंडरटेकन बाय द इंटरप्राइज़ सो आंसर इज़ सोशल अकाउंटिंग यहां पे सोशल इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन सोशल अकाउंटिंग फोकसेस ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन डैश एंड डैश तो सोशल अकाउंटिंग फोकसेस ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन फर्म एंड सोसाइटी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर सोशल अकाउंटिंग फोकसेस ऑन द सोशल अकाउंटिंग फोकसेस ऑन द रिशनशिप बिटवीन फर्म एण्ड सोसाइटी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर फर्स्ट वाले फिलअप में आएगा फर्म और सेकंड वाले में आएगा सोसाइटी सोशल अकाउंटिंग फोकसेस ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन फर्म एंड सोसाइटी नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंसेप्ट इज़ मिक्सचर ऑफ बोथ स्टैचुरी ऑडिट्स एग्जांपल स्टैचुरी ऑडिट एंड परफॉर्मेंस ऑडिट दिस कन्सैप्ट इज मिक्सचर तो कौन सा जो कॉन्सेप्ट है वो मिक्चर होता है किसका स्टेचुरी ऑडिट का और परफॉर्मेंस ऑडिट का तो यहाँ पे राइट आंसर है जो सोशल ऑडिट होता है वो मिक्सचर होता है किस किस का इसको याद रखना अच्छा क्वेश्चन है ये सोशल ऑडिट इज़ मिक्सचर ऑफ बोथ स्टैचुरी ऑडिट एंड परफॉर्मेंस ऑडिट नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ सोशल ऑडिट्स आर क्या होते हैं सोशल ऑडिट्स आर ऑप्शनल एंड फ्लैक्सीबल ऑप्शन डी इज द राइट आंसर सोशल ऑडिट्स आर ऑप्शनल एंड ऑप्शनल एंड यू नो फ्लेक्सिबल चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे एक क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर नाइन डैश एक्ट्स एज एंड प्रूफ ऑफ सोशल कमिटमेंट्स तो क्या जो है एक्ट करता है प्रूफ के तौर पे सोशल अकाउंटिंग के प्रूफ के तौर पे क्या काम करता है यहाँ पे ये पूछा गया है डैश एक्ट्स एज एन प्रूफ ऑफ सोशल कमिटमेंट्स तो सोशल जो कमिटमेंट्स है उसके प्रूफ के तौर पे क्या काम करता है हेयर द राइट आंसर इज सोशल अकाउंटिंग ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश डैश इन्वायरमेंट हैव फोर्स बिजनेस इंटरप्राइज टू रिपोर्ट इन्फॉर्मेशन विद रिगार्ड टू देर तो यहाँ पे डैश इन्वायरमेंट हैव फोरसड बिजनेस डैश इन्वायरमेंट्स हैव फोर्स बिजनेस विद रिगार्ड टू देयर तो यहाँ पे बोला है कि द इन्वायरमेंट्स यानी कि डैश एनवायरनमेंट्स हैव फोर्सर बिजनेस इंटरप्राइजेस टू रिपोर्ट इन्फॉर्मेशन विद रिगार्ड टू देयर अभी विद रिगार्ड टू देयर क्या आएगा यहाँ पे जो फिलअप है उसमें आएगा आपका डायनामिक डायनामिक एनवायरनमेंट जो है हैव फोर्सर बिजनेस इंटरप्राइजेस इतना से याद रखना आप कि डायनामिक इन्वायरमेंट जो है हैव फोर्सड बिजनेस इंटरप्राइजेस सो so, यहाँ पे डायनेमिक इन्वायरमेंट्स हैव फोर्स बिजनेस इंटरप्राइजेज़ टू रिपोर्ट इन्फॉर्मेशन तो यहाँ पे डायनामिक जो है ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर अभी जो डायनेमिक्स हैं बिजनेस के वो क्या हैं उसके बारे में आपको बताता हूँ सबसे पहले बिजनेस इन्वायरमेंट इज़ डायनामिक इन नेचर ठीक है तो यहाँ पे फर्स्ट है डायनेमिक वो क्या है इट कीप्स ऑन चेंजिंग फॉर एग्ज़ाम्पल चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज़ उसके बाद में सेकंड है चेंज इन टेस्ट एंड चॉइस ऑफ द कंज्यूमर उसके बारे में है चेंज इन टेक्नोलॉजी एट्सट्रा तो सच चेंजेस कुड बी ट्रिगर्ड बाय इंटरनल आर एक्सटर्नल फैक्टर्स सो यहाँ पे यह है इसके डायनामिक्स तो अगर आपको ये क्वेश्चन आता है कि डैश इन्वायरमेंट है बिजनेस इंटरप्राइजेज टू रिपोर्ट इन्फॉर्मेशन तो आपने लिखना है डायनामिक इन्वायरमेंट्स है हैव फोसड बिजनेस इंटरप्राइज टू रिपोर्ट इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स पी एफ एम एस वाज इनिशियली स्टार्टेड ड्यूरिंग ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आने की पॉसिबिलिटी है कि पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम वाज इनिशियली स्टार्टेड ड्यूरिंग कब स्टार्ट किया गया था पी एफ़ एम एस वाज इनिशियली स्टार्टेड ड्यूरिंग टू जी ज़ीरो नाइन कौन सा आंसर क्या है इसका टू जी ज़ीरो नाइन में जो है पी एफ़ एम एस वाज इनिशियली स्टार्टेड इन डूरिंग टू जीरो जीरो नाइन इज द राइट आंसर ठीक है जी यहाँ पे पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम वाज इनिशियली स्टार्टड ड्यूरिंग टू जी जीरो नाइन नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्लियर पी एफ एम एस वाज वी नोन एज वी नोन एज नहीं है अर्लियर पी एफ एम एस वाज नोन एज क्या क्या कहते थे पहले इसको इसको कहते थे सेंट्रल प्लान स्कीम मोनिटरिंग सिस्टम तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर दैट इज सेंट्रल प्लान स्कीम्स मोनिटरिंग सिस्टम पी एफ एम एस को पहले बोलते थे सेंट्रल प्लान स्कीम्स मोनिटरिंग सिस्टम ये आप याद रखना ये दो क्वेश्चन जो है एक तो जो आपका पी एफ एम एस वाज इनिशियली स्टार्टेड ड्यूरिंग तो आपका आंसर होगा टू जी जीरो नाइन दूसरा क्वेश्चन है अर्लियर पी एफ एम एस वाज नोन एज किस नाम से जाना जाता था इसका जो नेम था वो था सेंट्रल प्लांट स्कीम्स मोनिटरिंग सिस्टम सो ये थे आज के ट्वेल्व मोस्ट इम्पॉटेंट क्वेश्चन आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स इस ये जो ट्वेल्व क्वेश्चन हैं इनमें से एक क्वेश्चन आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है ठीक है so, सो अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर